हे गाइस, ट्रैवल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी इनेबल कर दीजिए। इससे ये होगा कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं डालूंगा सबसे पहले आपको मिल पाएगी और आप इन वीडियो का मजा ले पाएंगे। तो गाइज, मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉय कलेक्शन और ये है आप सभी का फेवरेट रोबोट वॉच टॉय कलेक्शन। तो गाइज, काफ़ी ज़्यादा व्यूवर्स की डिमांड थी कि रोबोट वॉच टॉय पे कलेक्शन की वीडियो बनाइए, तो मैं आपके लिए आया हूँ 2019 का लेटेस्ट टॉय कलेक्शन जो कि है रोबोट वॉच का। तो काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला आपको इस वीडियो में। तो जल्दी से करते हैं इनकी वन बाय वन अनबॉक्सिंग और फिर करेंगे टेस्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने मिस्टर हल्क से। तो गाइस, ये है हमारे मिस्टर हल्क, जैसे करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। जैसे करेंगे ओपन यहाँ से और निकालेंगे अपनी रोबोट वॉच को। तो गाइस, ये है हमारी रोबोट वॉच, दिखने में बड़ी शानदार है। ये है हमारे हल्क और अभी ये फिलहाल रोबोट है, अभी से हम बनाएंगे वॉच। तो जल्दी से देखते जाइए। तो गाइस, ये बन गई हमारी वॉच और हेड आप रोटेट कर सकते हैं, नीचे कर दीजिए चाहे आप ऊपर कर लीजिए। जैसा कि आप बोलोगे यहाँ से प्रोजेक्ट होगा और यहाँ पे आपको टाइम दिखेगा। देखो, ओपन करने पे हम टाइम दिखेंगे। इसमें भी हल्क की काफ़ी अच्छी पिक्चर लगाई गई है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि कैसा आपको लगा हल्क की ये वॉच। इसे बंद करते हैं और इस स्ट्रैप को हमें निकालना है। इसे निकाल लेते हैं फटाफट और फिर इसे दिखाइए, आपको दिखाता हूँ फ्लैश करके। तो ये करेगा फ्लैश। तो इसे मैं पहनता हूँ अपने रिस्ट पर और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इसे पहन सकते हैं। अगर गाइज, ये एडजस्टेबल है, ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे। ये एडजस्ट करने के लिए अगर आपका हाथ बड़ा मोटा है तो आप थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा हाथ थोड़ा सा मोटा है तो मैं इसको एडजस्ट करके अपने हैंड पे पहनूंगा। तो गाइज, पहन लिए मैंने वॉच और आप ये देखिए कि रिस्ट पे कितनी प्यारी लग रही है ब्लू एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में। और ये हल्का हेड, इसको मैं चाहे ऐसे करूँ चाहे ऐसे, हल्क नाराज नहीं होगा। यहाँ से मैं फ्लैश कर सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं टाइम देख सकता हूँ, ठीक है गाइस। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रोजेक्ट करके कि कैसी इसकी इमेज आती है प्रोजेक्टर में। अब आ रही है अपने दूसरे टॉय की जो कि है स्पाइडरमैन। तो गाइज, ये है हमारा स्पाइडरमैन वाला रोबोट वॉच और ये मैंने परचेस किया है ऑफलाइन मार्केट से, आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो इसे करेंगे ओपन यहाँ से और निकालेंगे अपनी रोबोट वॉच को। तो गाइज, ये है हमारी स्पाइडरमैन रोबोट वॉच और देख पा रहे हैं सारे मूव्स कर रहा है, ये हैंड्स भी मूव कर रहा है, लेग्स भी मूव कर रहा है। तो हमारा जो काम है गाइज, उसे क्या करना है कि हमें बनाना है इसे रोबोट। तो गाइज, ये है वॉच, आप देख पा रहे होंगे पूरे डिस्प्ले में, और ये है इसके लेग। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको इसको ऐसे करना है और इसको ऐसे करना है। जो भी जॉइंट्स हैं उन सबको हमें अच्छे से फोल्ड करना है ताकि कुछ दिक्कत ना हो। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप रेडी, ठीक है गाइस। और अब नीचे आ जाते हैं लेग के पास, तो इसको हमें इस टाइप से घुमाना है और इसको भी हमें इस टाइप से घुमाना है और फिर इसको निकाल के इसमें अटैच करना है। ठीक है, ये एडजस्टेबल है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका हाथ बड़ा है तो आप इसे आगे तक कर सकते हैं, अगर आपका हाथ छोटा है तो आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एडजस्टेबल है। अब मैं आपको इसे अपने हैंड पे पहन के दिखाऊंगा। तो गाइज, ये बन गई हमारी
तो गाइस ये बन गई है हमारी वॉच और ये बनेगी प्रोजेक्टर वॉच। ये हेड को आप मूव कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ से आपकी इमेज प्रोजेक्ट होगी और ये वाला ओपन होता है, इसको मैं ओपन कर दिखाता हूँ आपको। तो इसमें आप टाइम देख सकते हैं, ठीक है, इस टाइम को आप चेंज कर सकते हैं। तो गाइस मैंने पहले इसे अपने रिस्ट पे, देखिए आप इस टाइप से आप इसे पहन सकते हैं। मेरा हाथ थोड़ा सा बड़ा है, मोटा है, इसलिए मेरे हाथ पे ठीक से फिट नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी ये हिल नहीं सकता, ठीक है। तो इस टाइप का दिखता है, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इसे देख के। और यहाँ से आप निकाल के टाइम भी निकाल सकते हैं और यहाँ से बटन दबा के आप प्रोजेक्ट इमेज भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप प्रोजेक्टर दिखाता हूँ कि किस टाइप की इसमें इमेज आपको मिलेगी। अब आ रहे अपने तीसरे टॉय की, जो कि है ये वाला रोबोट वॉच। तो गाइज ये है फ्रोजन प्रोजेक्टर वॉच और ये आपको मिल जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मार्केट में। तो जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो इसे करेंगे ओपन यहाँ से और निकालेंगे अपनी रोबोट वॉच को। तो गर्ल्स काफ़ी डिमांड कर रही थी कि रोबोट वॉच दिखाओ गर्ल्स के लिए। तो गाइज मैं आपके लिए ले आया हूँ रोबोट वॉच है गर्ल्स के लिए। तो ये है फ्रोजन की तरफ से आने वाला रोबोट वॉच और ये भी प्रोजेक्टर वॉच है। इस स्ट्रैप को हम निकाल लेते हैं पहले ही ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। और इसे हम फ्लैश करके देखते हैं कि चलता है कि नहीं। यस चलता है, आपको आपको दिखाता हूँ इसमें खोल के ऐसे आप टाइम इसमें देख सकते हैं। ये है हमारी फ्रोजन, ठीक है, और इस टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने टाइम के हिसाब से। और ये बहुत प्यारा लग रहा है मुझे देखने में, अगर आपको स्क्रीन में दिख रहा हो तो काफ़ी अच्छा है। तो गर्ल्स चलिए बनाते हैं इसकी इस रोबोट की वॉच और फिर आपको दिखाता हूँ कि रिस्ट पे पहनने पे कैसा लगेगा और कितना कूल आप दिखने वाले हैं। तो चलिए से बनाते हैं इसकी वॉच। तो इसको घुमाएंगे ऐसे और इस हैंड को घुमाएंगे ऐसे। एक एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, अब है दूसरे पार्ट की बारी। तो ये होगी हमारी वॉच तैयार और इसको लगा देते हैं ऐसे। तो गाइस ये हो गई हमारी वॉच तैयार। ये हेड हमने उठा दिया है, ये अब इसे एडजस्ट कर सकते हैं नीचे ऊपर, लेकिन ऐसी बहुत कूल दिख रही है। तो इस टाइप की वॉच हो जाएगी बेबी गर्ल्स के लिए और आप पहन के काफ़ी ज़्यादा कूल महसूस करने वाली हैं वो। ये है इसका प्रोजेक्टर, पहन लिए मैंने वॉच और वॉच काफ़ी प्यारी लग रही है, गर्ल्स को काफ़ी पसंद आने वाली है। यहाँ पे हम उठाएंगे तो देखेंगे अपना टाइम, जो कि टाइम चल रहा होगा, और इसको बंद कर देते हैं और यहाँ से करेंगे हम प्रोजेक्टर। और आखिर में बचता है अपना बेंटेन का रोबोट वॉच, जो कि है ये वाला। तो गाइस ये है हमारा बेंटेन का रोबोट वॉच। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, फिर करेंगे इसकी टेस्टिंग। तो सबसे पहले इसे करते हैं ओपन। तो ओपन करेंगे पहले इधर से और फिर करेंगे ये, तो ये कवर हटेगा और फिर हमारी वॉच ये रही। तो सबको हटाते हैं साइड में। तो गाइस ये है वॉच और ये रोटेट हो जाती है इस टाइप से। बीच में आप टाइम देख सकते हैं इसके अंदर, ये टाइम भी हुआ, टाइम वाली वॉच है, आप टाइम भी इसमें देख सकते हैं। ये दोनों बटन्स काम करते हैं इसके। तो ये है बेंटेन का ओमनीट्रिक्स वॉच। ये पीछे पत्ती दी हुई है, इसे आपको निकालना होगा तभी इसके अंदर पावर इंसर्ट होगी। तो चलिए गाइस बनाते हैं इसकी वॉच और फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे ये वॉच बनेगी। तो सबसे पहले हमें ये निकाल लेते हैं और फिर इसके हैंड्स को सीधा करते हैं और इसे हमें रोटेट करना है ऐसे, इसे रोटेट करना है ऐसे। जैसे हम इसे रोटेट कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हमें ऐड जोड़ना है, फिर ये वाले पॉइंट्स को हमें जोड़ना है। तो काफ़ी मजबूती से जोड़ी है और ये जो हैंड है इन्हें आप अंदर को रोटेट कर देंगे। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया कम्प्लीट। और ये जो हेड है बेंटेन का, ये भी रोटेट होता है, तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपकी इच्छा के ऊपर है।
अब आते हैं नीचे वाले पार्ट पे। तो गाइज ये जो है ये हमारा पीछे फोल्ड होता है, इसे हमें आगे करना है। और फिर ये जो पैर है इसको हमें ऐसे घुमाना है, ये ऐसे घुमाना है, ये ऐसे घुमाना है, और उसके बाद फिर इन्हें ऐसे इसमें एडजस्ट करना है। और ये जो यहाँ पर है इसे यहाँ एडजस्ट करना है। तो गाइज ये बन गई, हमारा पूरा सेटअप हो चुका है। और हेड को खड़ा कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इसको हमें ऐसे करना है और ये बन गई हमारी बेंटन वॉच। ये हमारी बेंटन वॉच। चलिए मैं आपको रिस्ट पे बांध के दिखाता हूँ कि किस टाइप का ये दिखता है। तो इसे हमें बांधना होगा रिस्ट पे। चलिए मैं आपको अंधेरे में दिखाता हूँ कि कैसा इसका लुक लगता है। अब दिखाता हूँ मैं आपको वॉच का लाइट जला के। तो ये इस टाइप की दिखती है, वाओ। अंधेरे में बहुत कूल लगेगी और बच्चों काफ़ी पसंद आता है। अब इसको ओपन करके लाइट जलाते हैं, ये देखिए, नाइस, बहुत ही बेहतरीन वॉच है। तो ये है इसका बेस्ट फीचर, लाइट वाला, और वॉच बहुत प्यारी है। तो गाइज ये है बेंटन की वॉच। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।